अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ओ मेरा बेटा आ गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक बाबा जान। आपकी ट्रेनिंग किसी गई बेटा? बाबा जान मेरी ट्रेनिंग बहुत 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 जबरदस्त रही। बेटा आपको मुबारक हो, आप इतने बड़े अफसर बन गए हैं। खैर मुबारक बाबा, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बाबा जान कल मेरे एक दोस्त की सालगिरह है, तो मुझे उसे कुछ कपड़े गिफ्ट करने हैं, तो खरीदारी के लिए आप मेरे साथ बाजार चलेंगे? जी चलिए। भाई वालेकुम सलाम। भाई कपड़े दिखाना कोई, हमें किसी को गिफ्ट करने। ये देखिए। कितने का भाई ये? सिर्फ 1000। हैं इतना महंगा? से और सस्ते वाला दिखाएं। भाई ये कितने का है? सिर्फ 500। अरे ये भी महंगा है, से और सस्ते वाला दिखाएं। भाई इससे सस्ते में अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हमें किसी को देना है। ये देखिए। ये कितने का है? सिर्फ 250। हाँ ये सही रहेगा देने के लिए। बाबा जान मुझे भी इसी तरह के कपड़े दिला दीजिए। नहीं बेटा ये तो सस्ते वाले कपड़े हैं, आपको मैं इससे अच्छे वाले दिलाऊंगा। लेकिन बाबा जान हमें स्कूल में हदीस पढ़ाई गई है, जब तक कोई कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए ना पसंद करे। बेटा आपने तो मेरी आँखें खोल दी। भाई जान ऐसा करे तो 1000-1000 वाले सूट पैक कर दें, एक मेरे बेटे के लिए और एक इनों के दोस्त के लिए। हमें इस ड्रामे से ये सबक मिला जैसे कि हदीस में है, जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद करनी चाहिए वही अपने भाई के लिए पसंद करनी चाहिए। शुक्रिया। उम्मत के निगहबान बेड़ाए तबाही के करीब आने लगा है, बेड़ाए तबाही के करीब आने लगा है।